क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5 बाय 2 फ्रॉम इट. सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेंड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ. व्हाट इज द नंबर. अमीना एक संख्या सोचती है. वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है. अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है. वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए. तो इसके लिए हम मान लेंगे, मान लिया अमीना ने जो संख्या सोची है वह x है. तो हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x. माना अभीष्ट संख्या x है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार. अब प्रश्न में क्या कहता है कि सोची गई संख्या में से वह 5/2 घटाती है और जो परिणाम मिलता है उसे 8 से गुणा करती है. अब सोची गई संख्या क्या है, x है. तो x में से 5/2 घटाएंगे तो हो जाएगा x ऋण 5/2. अब यह जो परिणाम प्राप्त हो रहा है यानी x ऋण 5/2, इसको किस से गुणा किया जाता है, इसे 8 से मल्टीप्लाई किया जाता है. तो इनटू 8 लिखेंगे. अब वह पाती है कि जो यह प्राप्त होता है यानी x माइनस 5/2 इनटू 8, यह सोची गई संख्या का 3 गुना है. अब सोची गई संख्या जो है x है उसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x. तो यह बराबर हो जाएगा 3x. अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 8 से x को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से 5/2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो यह हो जाएगा 8 इंटू एक्स यानी 8x माइनस 5/2 इंटू 8 बराबर 3x. अब 2 से 8 4 टाइम कैंसिल होगा. हमारे पास रहेगा 8x माइनस 5 इंटू 4. 5 इंटू 4 का मतलब हुआ 20 इज इक्वल टू 3x. तो हम लिखेंगे 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 3x. अब हम जो यह माइनस 20 है इसे बराबर के दाएं ओर ट्रांसपोज करेंगे और 3x को बराबर के बाएं ओर ट्रांसपोज करेंगे. तो हमें प्राप्त होगा 8x माइनस 3x, जो बराबर के दाएं ओर प्लस 3x था यह बाएं ओर आने पर माइनस 3x हो जाएगा. और माइनस 20 जो बराबर के बाएं ओर था वह राइट साइड जाने पर प्लस 20 हो जाएगा. आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग 3x टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 22 राइट हैंड साइड. 3x को बाईं ओर और 20 को दाईं ओर पक्षांतर करने पर. अब देखिए 8x माइनस 3x, 8x में से 3x कम करेंगे तो हो जाएगा 5x. तो हमें मिलेगा 5x इज इक्वल टू 20. अब x के साथ जो 5 है यह बराबर के बाईं ओर गुणा में है तो दाईं ओर यह भाग में जाएगा. तो आपको मिलेगा x बराबर 20/5 यानी 20/5. 5 से 20 4 टाइम डिवाइड होगा तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 4. अतः अमीना के द्वारा सोची गई जो संख्या थी वह 4 थी. आप लिखेंगे thus x इक्वल टू 4 इज द रिक्वायर्ड नंबर. अतः अभीष्ट संख्या बराबर x यानी 4. दिस इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर. इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अनदर नंबर. व्हाट आर द नंबर्स. दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है. प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है. संख्याएं ज्ञात कीजिए. तो आपको दिया गया है कि जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या की 5 गुनी है. तो इसमें हम दूसरी संख्या को जो है x मान लेंगे. तो आप लिखेंगे लेट द पॉजिटिव नंबर बी x. और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वह प्रश्न के अनुसार ऐसे लिखेंगे, माना दूसरी संख्या
x है, देन अदर नंबर, तब पहली संख्या। अब पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 5 गुना है, तो दूसरी संख्या हमने मानी थी x, उसका 5 गुना आ जाएगा, 5 गुना x यानी 5x। तो नंबर जो है कुल मिलाकर x और 5x हम मान लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जब दोनों संख्याओं में 21 ऐड किया जाता है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है। तो हमारे पास संख्याएं क्या हैं, 5x और x हैं, तो आपने 5x में भी 21 ऐड करना है और x में भी 21 ऐड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में 21 ऐड करने पर जो पहली संख्या है अर्थात 5x प्लस 21 यह दूसरी संख्या का दुगुना हो जाती है। तो आप लिखेंगे 5x प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 21 into 2। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट साइड में 5x प्लस 21 को ऐसे ही लिखेंगे और 2 से आप x को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से 21 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हो जाएगा 2x प्लस 42, 21 2 जार 42। अब हम 2x को बराबर के दाईं ओर से बराबर के बाईं ओर ले जाएंगे और 21 को बराबर के बाईं ओर से बराबर के दाईं ओर ले जाएंगे, ट्रांसपोजिंग 2x टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 21 टू राइट हैंड साइड, वी गेट 5x माइनस 2x जो बराबर के दाईं ओर प्लस 2x था यह बाईं ओर आकर माइनस 2x हो जाएगा, और इसी प्रकार जो दाईं ओर है वह 42 माइनस 21 हो जाएगा, जो बराबर के बाईं ओर प्लस 21 था वह दाईं ओर आकर माइनस 21 हो जाएगा। अब 5x में से 2x लेस करेंगे और 42 में से 21 लेस करेंगे तो प्राप्त होगा 3x इज इक्वल टू 21। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए x के साथ जो 3 गुणामय है यह बराबर के दाईं ओर भाग में यानी बटा में चला जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा x इज इक्वल टू 21 अपॉन 3। 3 से 21 7 टाइम डिवाइड होगा तो आपको प्राप्त होगा x इज इक्वल टू 7। तो हमारी जो संख्याएं थी वह x और 5x थी, तो 10 द रिक्वायर्ड नंबर्स आर x यानी 7 एंड 5x यानी 5 into 7 अर्थात 35। तो अतः संख्या हो जाएंगी 5 और 35। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2-digit नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। व्हाट इज द 2-digit नंबर? दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि जो दो अंकों की संख्या होती है उसमें दो डिजिट्स होते हैं, एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें 64, तो 64 में 4 वंस में है और 6 टेंस में है। यदि हम इस संख्या का विस्तार करें तो हम इसे लिख सकते हैं, जो टेंस में है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 into 6 प्लस, और जो वंस में है उसे आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी दहाई वाले अंक को 10 से गुणा करेंगे और इकाई वाले अंक को 1 से गुणा करेंगे। तो इकाई वाले अंक को 1 से गुणा करेंगे तो वही अंक आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम 4 into 1 को 4 भी लिख सकते हैं। तो दो अंकों की जो संख्या होती है वह इस प्रकार से होती है 10 into 10th place digit प्लस यूनिट प्लेस डिजिट, यानी दो अंकों की संख्या का सूत्र हो गया 10 गुणा दहाई का अंक धन इकाई का अंक। दो अंकों की संख्या के सूत्र को समझने के बाद आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। आपको दिया गया है कि संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हम इकाई या दहाई में से किसी एक डिजिट को x मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना इकाई का अंक x है, लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी x। आपको दिया गया है कि अंकों का योग यानी इकाई प्लस दहाई बराबर है 9। अब हमने इकाई क्या मान ली है, x मान ली है,
तो इकाई की जगह हम यदि x लिखें तो हमें मिलेगा दहाई धन x बराबर 9। यहाँ से हम यदि x को ट्रांसपोज करें, इसको दाएं ओर ले जाएं, तो यह प्राप्त होगा दहाई बराबर 9 ऋण x। तो हम लिखेंगे टेंस प्लेस डिजिट दहाई का अंक बराबर 9 ऋण x। अब हम निकालेंगे जो दो अंकों की हमारी संख्या है वह क्या होगी, अभीष्ट संख्या ओरिजिनल नंबर। तो अभी आपको सूत्र बताया गया, दो अंकों की संख्या का जो सूत्र होता है वह होता है 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट, यानी 10 गुणा दहाई का अंक धन इकाई का अंक। तो आप जो टेंस प्लेस डिजिट है इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, 9 माइनस एक्स लिखेंगे, और यूनिट प्लेस डिजिट की जगह पर एक्स लिखेंगे। तो हमें प्राप्त होगा 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। अब यदि हम संख्या के अंकों का स्थान बदल दें, यानी इकाई की जगह दहाई को लिख दें और दहाई की जगह इकाई को लिख दें, तो इकाई हमारे पास है एक्स और दहाई हमारे पास है 9 माइनस एक्स। तो इन दोनों का यदि हम स्थान बदल दें तो स्थान बदलने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह होगी 10 इंटू एक्स, 9 माइनस एक्स के जगह पर एक्स लिखेंगे, प्लस 9 माइनस एक्स, यानी जहां पर एक्स था वहां पर आपने 9 माइनस एक्स लिख दिया, यानी अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या बनी वह 10x प्लस 9 माइनस एक्स हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या अभीष्ट संख्या यानी दी गई संख्या से 27 अधिक है, यानी जो न्यू नंबर है अंकों का स्थान बदलने पर वह ओरिजिनल नंबर से 27 अधिक है। अब हम इन दोनों का मान रखेंगे जो हमें ऊपर प्राप्त हुए हैं। तो अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या बनी थी वह थी 10x प्लस 9 माइनस एक्स, और जो हमारी अभीष्ट संख्या थी यानी ओरिजिनल नंबर वह थी 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या ओरिजिनल नंबर से 27 अधिक है, अधिक का मतलब प्लस, तो प्लस 27। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 10x को ऐसे ही लिखेंगे और इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यह हो जाएगा प्लस 9 माइनस एक्स, और राइट साइड में 10 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, 10 से माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x प्लस एक्स प्लस 27 को ऐसे ही लिखेंगे। अब लेफ्ट साइड में 10x माइनस एक्स करेंगे तो 9x हो जाएगा, प्लस 9 को ऐसे ही लिखेंगे, और राइट साइड में माइनस 10x प्लस एक्स, माइनस और प्लस घटते हैं, चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाले का रहता है, तो यह हो जाएगा माइनस 9x। तो आप लिखेंगे लेफ्ट साइड में 9x प्लस 9, 10x में से माइनस एक्स 9x, और राइट साइड में माइनस 10x प्लस एक्स हो गया माइनस 9x, और 90 प्लस 27 हो गया प्लस 117। अब हम ऋण 9x को बराबर के दाईं ओर से बराबर के बाईं ओर ले जाएंगे, तो यह बाईं ओर जाने पर धन 9x हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस 9 जो बराबर के बाईं ओर है इसे बराबर के दाईं ओर ले जाएंगे तो यह ऋण 9 हो जाएगा। तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगी वह होगी 9x प्लस 9x इज इक्वल टू 117 माइनस 9। तो कोष्ठ में आप लिख सकते हैं 9x को बाईं ओर और 9 को दाईं ओर पक्षांतर करने पर। अब 9x 9x ऐड करेंगे तो 18x हो जाएगा, 117 में से 9 लेस करेंगे तो 108 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 18x इज इक्वल टू 108। x का मान प्राप्त करने के लिए यह 18 बराबर के दाईं ओर भाग में यानी बटा में चला जाएगा, तो हमें मिलेगा x बराबर 108 अपॉन 18। अब 18 के पहाड़े में 108 कितने टाइम आता है, 6 टाइम आता है, तो 18 से 108 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 6। तो x का मान मिल चुका है, तो अब हम दी गई संख्या यानी अभीष्ट संख्या रिक्वायर्ड नंबर को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 10 द रिक्वायर्ड नंबर, अतः अभीष्ट संख्या, तो जो अभीष्ट संख्या थी यानी ओरिजिनल नंबर थी वह थी 10 9 माइनस एक्स
प्लस एक्स। अब हम इसमें एक्स का मान रखेंगे, एक्स के स्थान पर हम सिक्स लिखेंगे, तो यह हो जाएगा टेन नाइन माइनस सिक्स प्लस सिक्स। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, नाइन माइनस सिक्स का मान थ्री हो जाएगा, तो हमें मिलेगा टेन इंटू थ्री प्लस सिक्स। अब टेन थ्री जार होता है थर्टी, तो यह हो जाएगा थर्टी प्लस सिक्स, थर्टी में सिक्स ऐड करेंगे तो थर्टी सिक्स। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर डिजिट। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का तीन गुना है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको दिया गया है कि दो अंकों की संख्या में एक अंक दूसरे का तीन गुना है। अब यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं है कि इकाई दहाई का तीन गुना है या दहाई इकाई का तीन गुना है, इसीलिए आप इकाई या दहाई में से किसी को भी x मान सकते हैं। यदि आप इकाई को x मानेंगे तो दहाई 3x होगा, और दहाई को x मानेंगे तो इकाई 3x होगी। तो हम मान लेते हैं, लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स, यानी माना इकाई का अंक एक्स है। प्रश्न के अनुसार एक अंक दूसरे का तीन गुना है, तो दहाई क्या हो जाएगा? देन टेंस प्लेस डिजिट, यानी दहाई का अंक हो जाएगा एक्स का तीन गुना, इकाई का तीन गुना अर्थात 3x। अब हमारी जो दी गई संख्या बनेगी, ओरिजिनल नंबर बनेगा, उसके लिए आपने सूत्र पढ़ा हुआ है जो कि होता है 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट, यानी जो अभीष्ट संख्या आती है वह होती है 10 गुणा दहाई का अंक धन इकाई का अंक। अब हम दहाई की जगह 3x लिखेंगे और इकाई की जगह x लिखेंगे, तो यह हो जाएगा 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट यानी 3x प्लस यूनिट प्लेस डिजिट यानी x। 10x से 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30x प्लस x, वैसे ही रहेगा। अब हम 30x में x ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 31x। तो जो ओरिजिनल नंबर है अर्थात दी गई संख्या यानी अभीष्ट संख्या है वह 31x है। अब हम निकालेंगे अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, तो आप इसी सूत्र में टेंस प्लेस डिजिट की जगह पर x लिखेंगे और x की जगह पर 3x लिखेंगे, तो हमें संख्या मिलेगी द न्यू नंबर अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या 10 इंटू दहाई के जगह पर इकाई लिखेंगे तो x प्लस इकाई के स्थान पर दहाई लिख दिया तो दहाई है 3x। अब 10x में 3x ऐड करेंगे तो 13x। तो जो ओरिजिनल नंबर है वह है 31x और न्यू नंबर यानी अंकों का स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या है वह है 13x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार नए नंबर और ओरिजिनल नंबर का योग 88 है, तो आप लिखेंगे न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 88, यानी अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या धन अभीष्ट संख्या या दी गई संख्या बराबर 88। अब इनका हम मान रखेंगे, न्यू नंबर की जगह 13x और ओरिजिनल नंबर की जगह पर 31x, तो यह हो जाएगा 13x प्लस 31x इज इक्वल टू 88। अब हम 13x में 31x जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 44x, तो इक्वेशन बनेगी 44x इज इक्वल टू 88। अब x का मान ज्ञात करने के लिए 44 को आप राइट साइड में ले जाएंगे तो राइट साइड में यह बटा में जाएगा, तो यह हो जाएगा x बराबर 88/44। अब 44 से 88 टू टाइम डिवाइड होगा तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 2। तो x का मान हमें मिल चुका है, तो अब हम अपने ओरिजिनल नंबर को ज्ञात कर सकते हैं। 10 द ओरिजिनल नंबर यानी दी गई संख्या, तो दी गई संख्या थी 31x, 31x का मतलब हुआ 31 into x, तो x के जगह पर हम 2 लिखेंगे तो यह हो जाएगा 31 into 2, 31 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 62। दिस इज आंसर।
यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है, यदि हम दहाई को x मानते तो इकाई 3x हो जाती, तो उस स्थिति में हमारी संख्या ओरिजिनल नंबर 13x हो जाती और अंकों का स्थान बदलने पर न्यू नंबर हो जाता 31x। तब 13x में मान रखने पर दी गई संख्या जो आती वह 26 आती। तो इस प्रश्न का उत्तर 62 भी हो सकता है और 26 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, Shobo's मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स Shobo's प्रेजेंट एज। Shobo's एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? Shobo की माँ की आयु Shobo की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद Shobo की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। Let Shobo's present age be x years. माना Shobo की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब प्रश्न के अनुसार उसकी माँ की आयु उसके वर्तमान आयु की 6 गुनी है, तो Shobo की माँ की जो आयु है वह हो जाएगी 6 गुना x। तो आप लिखेंगे Shobo's मदर्स एज यानी Shobo की माँ की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी 6x वर्ष। तो कुल मिलाकर Shobo की वर्तमान आयु हो गई x वर्ष और उसके माता की वर्तमान आयु हो चुकी है 6x वर्ष। अब वह कहता है कि 5 वर्ष बाद Shobo की जो आयु है उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाती है। तो हम 5 वर्ष बाद Shobo की आयु को ज्ञात करेंगे। 5 वर्ष बाद की आयु निकालने के लिए आप वर्तमान आयु में 5 वर्ष को जोड़ेंगे। तो Shobo की वर्तमान आयु है x, 5 वर्ष बाद उसकी आयु हो जाएगी x/5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार Shobo के 5 वर्ष बाद की आयु यानी x/5 उसके माँ की वर्तमान आयु अर्थात 6x का 1/3 यानी 1/3 हो जाती है। का मतलब हुआ गुणा और वर्तमान एज उसकी माताजी की है 6x, तो आप लिखेंगे 6x/1/3। अब 3 से 6 दो बार विभाजित होगा, तो आपके पास बच गया है बाईं ओर x/5 और दाईं ओर 1/2x यानी 2x। अब हम यहाँ पर जो x है बाईं ओर इसको दाईं ओर ले जाएंगे, तो दाईं ओर यह ऋण x हो जाएगा। तो समीकरण प्राप्त होगी 5 = 2x - x, बाईं ओर 5 रहा और दाईं ओर 2x - x हो जाएगा क्योंकि आप बाईं ओर से x को दाईं ओर ला चुके हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 2x में x घटाकर x होता है, तो आपको समीकरण मिलेगी 5 = x यानी x = 5। अब आपको x मिल चुका है तो आप दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं। Hence Shobo's present age, अतः Shobo की वर्तमान आयु जो कि हमने मानी थी x, तो x आ चुका है 5, तो Shobo की वर्तमान आयु आ चुकी है 5 years 5 वर्ष। And Shobo's mother's present age, Shobo की माँ की वर्तमान आयु वह थी 6x, तो हम लिखेंगे 6 × x यानी 5, तो 6 × 5 = 30 years। तो Shobo की आयु आ चुकी है 5 वर्ष और माता की वर्तमान आयु आ चुकी है 30 वर्ष, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाड़ यानी फेंस कराने में ₹100 प्रति मीटर की दर से ₹75,000 व्यय करने होंगे। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11:4 दिया गया है, तो इसी अनुपात के अनुसार हम भूखंड की लंबाई को मान लेंगे 11x और चौड़ाई को मान लेंगे 4x। अब आपको दिया गया है भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च ₹75,000 है और 1 मीटर का खर्चा है
₹100। तो जब आप भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाएंगे तो बाड़ की जो लंबाई आएगी इसके पेरीमीटर अर्थात इसके परिमाप के बराबर आएगी, जो कि दो बार लंबाई और दो बार चौड़ाई के योग के बराबर होता है। यानी आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो कुल मिलाकर जो बाड़ की लंबाई होगी वह इस भूखंड के परिमाप अर्थात पेरीमीटर के बराबर होगी। यह यहाँ पर हमें समझना होगा। तो हम लिखेंगे बाड़ की लंबाई बराबर भूखंड का परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए आपको बाड़ लगाने का खर्च दिया गया है ₹100 प्रति मीटर के हिसाब से, ₹75,000 खर्च होता है। तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट यानी भूखंड का परिमाप हो जाएगा 75,000/100। तो 2 शून्य आपके सीधे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 750 मीटर। हमें भूखंड का परिमाप मिल चुका है 750 मीटर, पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इज 750। तो अब हम यहाँ से लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो परिमाप होता है वह 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई के बराबर होता है। तो आप पेरीमीटर ऑफ प्लॉट की जगह पर लिखेंगे 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई और बराबर के बाद है 750, यानी पेरीमीटर का मान है 750। अब आप लंबाई की जगह पर लिखेंगे 11x और चौड़ाई की जगह पर लिखेंगे 4x, जो कि हमने फर्स्ट में माना था। तो यह हो जाएगा 2 गुणा 11x धन 4x बराबर 750। अब हम 11x में 4x ऐड करेंगे तो यह 15x हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी 2 × 15x इज इक्वल टू 750। अब 2 और 15 गुणा होंगे तो बन जाएगा 30। तो आपको मिलेगा 30x इज इक्वल टू 750। और x का मान ज्ञात करने के लिए जो 30x के साथ गुणा में है वह दाईं ओर पक्षांतर होके भाग में चला जाएगा। तो यह बन जाएगा x बराबर 750 भाग 30। अब भागा का मतलब होता है बटा, तो इसे हम लिख सकते हैं 750 बटा 30। 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे और 3 से 75 टाइम डिवाइड होगा तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 25। अब हमें x मिल चुका है तो हम लंबाई और चौड़ाई को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो लेंथ हो जाएगी 11x यानी 11 गुणा x अर्थात 11 गुणा 25, क्योंकि x का मान 25 प्राप्त हुआ था। 11 और 25 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 275 मीटर, 275 मीटर इसकी लेंथ हो चुकी है। अब हम निकालते हैं चौड़ाई। चौड़ाई हमने माने थी 4x अर्थात 4 × x 4 × 25, तो 25 × 4 = 100 मीटर। तो अतः भूखंड की लंबाई आ चुकी है 275 मीटर और चौड़ाई आ चुकी है 100 मीटर। इस आंसर क्वेश्चन नंबर 7। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव ₹50 प्रति मीटर और पतलून के कपड़े का भाव ₹90 प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचकर ₹36,600 प्राप्त करता है। उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा? तो यहाँ पर हमें यह ध्यान देना है कि 3 मीटर कमीज के लिए वह 2 मीटर पैंट का कपड़ा खरीदता है। तो हम कमीज के कपड़े को 3x मानेंगे तो पतलून के कपड़े को 2x मानेंगे। तो लिखेंगे माना कमीज का कपड़ा खरीदा जाता है 3x मीटर, तो जो पैंट है उसके लिए कपड़ा होगा 2x मीटर। अब आपको कमीज और पतलून दोनों के कपड़ों का रेट दिया गया है। कमीज के कपड़े का रेट है ₹50 प्रति मीटर और पतलून के कपड़े का रेट है ₹90 प्रति मीटर। तो कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल यानी कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य हो जाएगा 50 × 3x, क्योंकि कमीज का कपड़ा उसने कुल 3x मीटर खरीदा है। 1 मीटर का खर्चा है ₹50, तो 3x मीटर का खर्चा हो जाएगा 50 × 3x यानी 150x रुपीज।
पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य आ जाएगा 90 × 2x, तो यह हो जाएगा 180x रुपीज। तो यह तो हो गया क्रय मूल्य कमीज और पतलून के कपड़ों का। अब उसने कमीज के कपड़े को 12% लाभ पर और पतलून के कपड़े को 10% लाभ पर बेचा, तो हम कमीज और पतलून दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल यानी कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य धन क्रय मूल्य का 12%, क्योंकि उसने लाभ कमा रखा है, तो लाभ कमाने में क्रय मूल्य में आप लाभ को जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा 150x यानी क्रय मूल्य था प्लस क्रय मूल्य का 12%, क्रय मूल्य था 150x, का मतलब हुआ गुणा, 12% का मतलब हुआ 12/100। अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 10 2 टाइम कैंसिल होगा और 15 3 टाइम डिवाइड होगा। अब 2 से 12 6 टाइम डिवाइड होगा, तो हमारे पास बचा है 150x धन 3x गुणा 6, तो 3x × 6 कॉमन हो जाएगा 18x, तो आपको मिलेगा 150x प्लस 18x, 150x में 18x ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 168x। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट आ जाएगा 168x रुपीज, 168 रुपये, यह कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य होगा। अब इसी प्रकार हम पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। पतलून के कपड़े पर उसने 10% का लाभ कमाया हुआ है, पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य आ जाएगा क्रय मूल्य धन लाभ, यानी क्रय मूल्य था 180 रुपीज और लाभ था 10%, क्रय मूल्य का 10%, क्रय मूल्य है 180x, का मतलब हुआ गुणा, 10% का मतलब हुआ 10/100, 10% यानी 10/100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इस 0 से यह 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 18x, तो हमें प्राप्त होगा 180x धन 18x, 180x प्लस 18x, 180x में 18x ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 198x, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल आ जाएगा 198x रुपीज, पतलून का विक्रय मूल्य 198 रुपया हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हसन ने कमीज और पैंट दोनों को बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त किए, अर्थात कमीज से उसने प्राप्त किए 168x रुपीज और पतलून से प्राप्त किए 198x रुपीज, इन दोनों का योग हो जाएगा 36,600। अब 168x में 198x को हम जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 366x, तो आपको मिलेगा 366x इज इक्वल टू 36,600। अब x का मान ज्ञात करने के लिए 366 बराबर के दाएं ओर भागा में चले जाएगा, तो यह हो जाएगा x इज इक्वल टू 36,600 डिवाइडेड बाय 366। अब भाग का मतलब बटा होता है, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 36,600/366। अब 366 से 366 में एक बार भाग जाएगा, आगे से दो शून्य है, तो 366 से 36,600 100 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो हमें x बराबर ज्ञात हो चुका है 100। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हसन ने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्राउजर्स मटेरियल बॉट, यानी हसन ने पतलून के लिए कपड़ा खरीदा, तो पतलून के लिए जो कपड़ा खरीदा था वो हमने माना था 2x, यानी 2 × x अर्थात 2 × 2 × 100 यानी 200 मीटर, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है, शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना कुल हिरण थे x,
लेट द नंबर ऑफ डियर बी एक्स। अब मैदान में कितने चर रहे थे? आधे हिरण मैदान में चर रहे थे, तो मैदान में चर रहे हिरणों की संख्या आ जाएगी x का आधा यानी x बटा दो। अब प्रश्न में कहा गया है कि शेष हिरणों का 3/4 भाग पड़ोस में खेल कूद रहा है, तो इसका मतलब हुआ हमें अब शेष हिरणों की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो कुल हिरण थे x और मैदान में चर रहे हैं x बटा दो, तो शेष हिरण बच जाएंगे x ऋण x बटा दो। तो x में से x बटा दो घटाकर आपको मिल जाएगा x बटा दो। अब x बटा दो का 3/4 हिरण पड़ोस में खेल कूद रहे हैं, तो आप लिखेंगे प्लेइंग नियर बाय, पड़ोस में खेल कूद रहे हिरणों की संख्या, यह बराबर हो जाएगी x बटा दो का 3/4 3/4 ऑफ x अपॉन 2। 3 से x गुणा होगा और 4 से 2 गुणा होगा, तो यह बन जाएगा 3x/8। अब देखिए हमारे पास कुल हिरण थे x, x बटा 2 मैदान में चर रहे हैं, 3x/8 पड़ोस में खेल रहे हैं, 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। कुल हिरण यानी x 3 भागों में बट चुके हैं, x बटा 2 चर रहे हैं, 3x/8 पड़ोस में खेल रहे हैं और 9 हिरण पानी पी रहे हैं, तो इन तीनों का योग कुल हिरणों के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार मैदान में चर रहे हिरणों की संख्या धन पड़ोस में खेल रहे हिरणों की संख्या धन पानी पी रहे हिरणों की संख्या बराबर कुल हिरण। इन चारों का मान आप रखेंगे x बटा 2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इज इक्वल टू x। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम इस समीकरण को 8 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि 2 और 8 का LCM 8 होता है, तो यह हो जाएगा 8x/2 प्लस 8x/8 प्लस 8x9 इज इक्वल टू 8x। यानी समीकरण के हर पद को आपने 8 से गुणा किया। अब पहले पद में 2 से 8 चार बार विभाजित होगा, दूसरे पद में 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और तीसरे पद में 8×9 का मान 72 हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी 4x प्लस 3x प्लस 72 इज इक्वल टू 8x। अब 4x और 3x ऐड होंगे तो बन जाएगा 7x। तो इक्वेशन मिलेगी 7x प्लस 72 इज इक्वल टू 8x। अब 7x को हम बाईं ओर से दाईं ओर ले जाएंगे, तो यह हो जाएगा 72 इज इक्वल टू 8x माइनस 7x। 8x में से 7x घटाएंगे तो प्राप्त होगा x, तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 72। तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 72। तो x हमने माना था हिरणों की संख्या, तो जो कि आ चुकी है 72। तो आप लिखेंगे hence the required number of deer, अतः हिरणों की संख्या बराबर 72। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। दादाजी की आयु उसकी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। हम पौत्री की वर्तमान आयु को x मान लेंगे और दादाजी की आयु पौत्री की आयु की 10 गुनी है, तो दादा की आयु हम 10x मान लेंगे। तो आप लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी एक्स ईयर्स, माना पौत्री की वर्तमान आयु x वर्ष, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, दादा की वर्तमान आयु आ जाएगी 10x ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दादा की आयु यानी 10x बराबर पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक। पौत्री की आयु है x वर्ष, 54 अधिक का मतलब हुआ प्लस 54 धन 54। अब आप x को दाईं ओर से बाईं ओर ले जाएंगे तो यह ऋण x हो जाएगा, तो आपको प्राप्त होगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 54। 10x में से x लेस करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 9x इक्वल टू 54। x का मान ज्ञात करने के लिए 9 54 के हर में जाएगा, तो आपको मिलेगा x बराबर 54/9 यानी 54/9, 9 से 54 6 बार विभाजित होगा, तो x बराबर 6 आपको प्राप्त हो जाएगा। x मिलने
के बाद हम पौत्री और दादा दोनों की आयु आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर यानी पौत्री की वर्तमान आयु बराबर एक्स यानी 6 वर्ष और दादा की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर जो की थी 10x यानी 10 × 6 यह हो जाएगा 60 ईयर्स। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 अमन्स एज इज 3 times हिज सन्स एज 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आप मान लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सन बी एक्स ईयर्स। माना पुत्र की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है। तब फादर यानी अमन की आयु आ जाएगी 3 गुना अर्थात 3x। अब 10 वर्ष पहले की आप दोनों की आयु ज्ञात करेंगे तो पहले की आयु ज्ञात करने के लिए वर्तमान आयु में से जितने वर्ष पूर्व की आयु आपने ज्ञात करनी है उतने वर्ष को आप घटा देते हैं। तो आप लिखेंगे 10 years ago the son's age was 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु है एक्स वर्ष, 10 वर्ष पहले हो जाएगी एक्स ऋण 10 वर्ष। इसी प्रकार 10 वर्ष पूर्व अमन की आयु हो जाएगी 3x ऋण 10 वर्ष। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार 10 वर्ष पहले अमन की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो 10 वर्ष पहले अमन की आयु थी 3x ऋण 10 और पुत्र की आयु थी एक्स ऋण 10। तो 3x ऋण 10 जो है वह एक्स ऋण 10 का 5 गुना हो जाएगा अर्थात 3x-10 = आपको मिलेगा 5 × x-10। अब 5 से आप इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 5 × x 5x - 5 × 10 = 3x-10। अब 3x को हम बराबर के दाएं ओर से बाएं ओर और -50 को बराबर के बाएं ओर से दाएं ओर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 5x - 3x + 3x यहाँ आकर -3x हो जाएगा बराबर -10 + 50 या 50 - 10। -50 बाएं ओर था तो दाएं ओर यह +50 हो जाएगा। अब 5x में से 3x घटाएंगे तो 2x मिलेगा और 50 में से 10 घटाएंगे तो 40 प्राप्त होगा। तो यह हो जाएगा 2x = 40। एक्स ज्ञात करने के लिए 2 का भाग 40 में देंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा 40/2 यानी 40/2 दो से 40 डिवाइड होगा 20 times तो x = आ गया है 20। हेंस द सन्स एज यानी पुत्र की आयु जो हमने मानी थी एक्स वर्ष वह आ चुका है 20 तो पुत्र की आयु आ जाएगी 20 वर्ष। एंड द एज ऑफ अमन यानी उसके पिता की आयु जो कि हमने मानी थी 3x तो यह हो जाएगा 3 × x यानी 3 × 20 अर्थात 60 ईयर्स। तो अमन की आयु आ गई है 60 वर्ष और उसके पुत्र की आयु आ चुकी है 20 वर्ष। यही प्रश्न का उत्तर होगा।